नवादा जिला के रजौली प्रखंड के अमावा गांव में फुटबॉल खेलने के क्रम में मोहम्मद सोनू, मोहम्मद मोनू दोनों सगे भाई एवं लव कुमार एवं कुश कुमार दोनों सगे भाइयों के बीच मात्र 15 रुपए के लेन देन के चक्कर में मारपीट हो गई। लड़ाई की सूचना मिलने पर रजौली थाना प्रभारी अमावा गांव पहुंचकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पार्टी की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना मिल रही है। कुछ ही देर के बाद दोनों के अभिभावक समझौता के लिए थाना पहुंचे कि हम लोग आपस में समझौता कर लिए। थाना से कोई जवाब नहीं मिलने पर दोनों के अभिभावक माननीय विधायक रजौली प्रकाश वीर सिंह के पास गए और अपनी फरियाद रखी कि हुजूर हम लोग दोनों आपस में समझौता कर लिए हैं, बच्चों की लड़ाई है। माननीय विधायक थाना प्रभारी रजौली DSP रजौली SP नवादा से बातचीत किए, आश्वासन भी मिला। उसके बाद भी सभी आरोपी को जेल भेज दिया गया। संबंधित पदाधिकारी के सामने माननीय विधायक का कुछ भी नहीं चला, जिससे विधायक जी में काफ़ी नाराजगी देखने को मिली। जब दोनों के अभिभावक आपस में मिल गए तो सभी संबंधित पदाधिकारियों को एक जनप्रतिनिधि व अभिभावक की मोशन का ख्याल जरूर रखना चाहिए था, जो विधायक जी के आवास पर लोगों में चर्चा होती रही। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि विधायक जी के पास जाने के बाद समाधान निकल जाएगा। वहां से भी सभी लोग मायूस होकर वापस अपने घर चले आए। लोगों में ये भी चर्चा का विषय है कि केस में निर्दोष लोगों का भी नाम डाल दिया गया, जो जाँच का विषय है। इससे भी लोगों में काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार मंथन नवादा से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जसीमुद्दीन। घर? अमामा। क्या मामला है? अरे मामला है, मेरा लड़का और एक अनिल राय का लड़का पड़ोसी है बगल का, क्रिकेट खेल रहा था, उसी में दोनों झगड़ गया। झगड़ने के बाद हम यहाँ नहीं थे, अनिल राय को लोग इधर उधर से लड़कन लोग लग गया, झगड़ा को बढ़ा दिया। हम लोग जब आए अनिल राय से बात हुआ, हम लोग कल ही से कंप्रोमाइज में लग गए। उसके बीच रात में सर से बड़ाओं से भी बात हुआ था, जो कि ऐसा बात है कि ठीक है आप लोग सुबह 8 बजे आइए, हम कलकत्ता 6 बजे उतरे रजौली। हम लोग दोनों पक्ष आ गए, गांव के 10-20 लोग के साथ आए। प्रमुख साहब से बात हुआ, प्रमुख साहब बड़ाओं से बात किए, बोले ठीक है हो जाएगा। उसके बाद में उतना ही देर में पेपर आ गया, लड़कन लोग चारों अभी यही है, बल्कि कई इसमें आप लोग दोनों पार्टी आपस में समझौता कर जी 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 एकदम हम लोग तैयार, सुबह से लड़ रहे हैं हम लोग लिखित में। जी लिखित में जी। इनकी जानकारी आप लोग कहाँ कहाँ दी? हम लोग पहले दिए थाना में, उसके बाद में जो है हम लोग दिए हैं SP साहब यहाँ है, विधायक जी के यहाँ। विधायक जी जो है DSP साहब को फोन किए, कॉल किए, तो वो दो कॉल में उठाए। उठाने के बाद में जो है से बोले कि बाथरूम में है विधायक जी, हम लोग आवास पर भेजे। जब वहाँ गए 10 मिनट में तो पहुँचते हैं, तो वो वहाँ से उनका गार्ड बोलते हैं कि 1 घंटा कवल वो नवादा चले गए। फिर हम लोग लौट करके आए, लौट कर आने के बाद में विधायक जी फिर SP साहब के पास कॉल किए। SP साहब भी जो इनका कॉल 1-2 बार तो बोल करके, और उसके बाद में ये लोग बात जबरदस्ती लड़कन लोग को चालान कर दिया। हम लोग दोनों पक्ष रोड पर, सारा लड़का जेल चल गया जी। अब आप लोग दोनों आपस में समझौता, एकदम समझौता में है। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल राय। घर कहाँ? अमावा। क्या मामला है? मामला है कि बाल बच्चा के लड़ाई में मारपीट हुआ, मारपीट होने के बाद जो है से कुछ घर से भी घायल हो गया, उधर से भी घायल हो गया जी। तो फिर हम बच्चा के लेके हॉस्पिटल आए जी। हॉस्पिटल जब हम पहुँचे तो हमारे पीछे पुलिस लोग भी पहुँच गए जी। पुलिस लोग हमारा जो है से इलाज के दौरान में हमसे पूछे नाम ठिकाना, हम सब बताए, बोला कौन मारपीट किया, तो मैं नाम भी बताया उन लोगों को। बताने के बाद फिर हमको थाना में अब लिखित आवेदन थाने में दिए थे। हाँ लिखित आवेदन हम दिए थे। अच्छा। तो फिर वहाँ से थाना ले आके FIR हमसे करवाए जी, जी। FIR करके हम जो भी 5 आदमी का नाम था वो हम दिए थे जी। देने के बाद जो कुछ आदमी हमको समझाया कि देखिए लड़ाई करना उचित नहीं होता है, बाल बच्चा की लड़ाई है, तो कुछ आदमी समझाया तो हम बोले ठीक है ऐसा बात है तो इस मामला को बढ़ना नहीं चाहिए और हम लोग जो है से अपने में कंप्रोमाइज कर लो, कहीं कोई बात विचार नहीं, आगे भागना चाहिए। दोनों आपस में लिखित में समझौता कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल लिखित में है और इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। केस जो हुआ दोनों पक्ष से हुआ है कि एक पक्ष से हुआ है? अच्छा अच्छा। दोनों आपस में केस समझौता कर, समझौता हो गया। उसके बाद जो है जब थाना प्रभारी के पास हम लोग गए तो नहीं मिले, लड़कन लोग को चालान कर रहे थे तो हम रोके, जब हम लोग मिल गए तो फिर चालान क्यों कर रहा है, जो लोग नहीं माना बात जबरदस्ती चालान।